बस कुछ ही दिन और फिर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला तंबुओं के शहर में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्द ही महाकुंभ का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन होने वाला है और महाकुंभ के चलते इस बार की तैयारियां कुछ अलग ही रौनक लेकर आने वाली हैं। 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जोर शोर से जुटी हुई है। पूरे प्रयागराज का कायाकल्प किया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ को ग्रीन कुंभ के रूप में पेश करने की तैयारी है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की योगी सरकार 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पॉलिथीन फ्री और ग्रीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जहां महाकुंभ में पॉलिथीन को प्रतिबंधित किए जाने की तैयारी है, वहीं 3 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इन पौधों को सरकार संरक्षित करेगी। महाकुंभ को लेकर अब तक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित की गई एपेक्स कमेटी की 13 बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें 5,154 करोड़ की 327 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही 1,264 करोड़ की 75 विभागीय परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। महाकुंभ से जुड़ी सभी स्थायी और अस्थायी परियोजनाओं को अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए योगी सरकार ने अनुभवी अधिकारियों की टीम लगाई है। 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित करा चुके कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद पर एक बार फिर से योगी सरकार ने अपना भरोसा जताया है। इसके अलावा कुंभ मेले में ऐसे तमाम अधिकारियों को लगाया गया है जिन्हें पहले माघ मेले और कुंभ के आयोजन में काम करने का पर्याप्त अनुभव है। महाकुंभ में इस बार सर्किट हाउस की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। इसके साथ ही पांटून ब्रिजेस की संख्या भी बढ़ाई जाने की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ मेले में 25,000 लोगों के लिए पब्लिक एकोमोडेशन, मोटर बोट, चेंजिंग रूम, पूजा स्थल और फ्लोटिंग जेटी बनाई जाएगी। मेले में इस बार 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनेंगे। पहली बार यमुना नदी के VIP घाट पर पक्के घाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर भी पक्का घाट बन रहा है। यातायात की समस्या को देखते हुए तेलियरगंज से संगम क्षेत्र तक 13 किलोमीटर का रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ वर्ष भर के घाटों पर जल का प्रवाह बना रहे, इसके लिए ड्रेजिंग भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि महाकुंभ से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में सड़कों और चौराहों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कई फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अक्षयवट, पतालपुरी, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर, श्रृंगेरपुर धाम और भरद्वाज कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जा रहा है। महाकुंभ की तैयारी में राज्य सरकार के 20 और केंद्र सरकार के 4 विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 में आयोजित किए गए दिव्य और भव्य कुंभ से भी कई गुना ज्यादा महाकुंभ 2025 को बेहतर बनाने में योगी सरकार दिन रात काम में लग चुकी है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।